नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 13 अक्टूबर, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। रामविलास पासवान ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा पत्र। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पेयजल की समस्याओं को देखते हुए ट्वीट कर बताया है कि शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने की सुनिश्चितता को देखते हुए मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच पड़ताल करने को कहा है। इसके साथ ही पासवान ने यह भी बताया कि BIS ने पाइप के जरिए आपूर्ति होने वाले पानी के लिए कड़े मापदंड तय किए हैं। मगध विश्वविद्यालय के 4 स्वयंसेवक का परेड शिविर में हुआ चयन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले परेड के लिए विभिन्न शिविरों में पूरे देश से कई छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। भोपाल के ग्वालियर में आयोजित होने वाले शिविर में मगध विश्वविद्यालय बोधगया के स्वयंसेवकों में गया कॉलेज से प्रहलाद सिंह चौहान, पारुल प्रिया, श्रीति सिन्हा, मिर्जा गालिब कॉलेज से अंकित पाठक का नाम शामिल है। आपको बता दें, पहले इन सभी छात्र छात्राओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद दिल्ली से आई एक टीम इनका इंटरव्यू लेगी, जिसके बाद ही इन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए करियर पोर्टल होगा लाभकारी। 10वीं और 12वीं के बाद अक्सर छात्र आगे किस फील्ड को चुने यह सोचकर असमंजस में फंस जाते हैं। कई बार कई कोर्स के बारे में अधूरी जानकारी होने के कारण बच्चे उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने बच्चों की इस दुविधा को दूर करने के लिए बिहार करियर पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे कि बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाया जा सके, ताकि बच्चे अपने भविष्य के लिए सही निर्णय ले सके। कीर्ति आजाद होंगे दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने कीर्ति आजाद को दिल्ली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक इस विषय पर पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के गुजर जाने के बाद से यह पद खाली पड़ा था, जिसके लिए अब कीर्ति आजाद का नाम सामने आया है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही इस बात की घोषणा कर पुष्टि करने वाली है। आगामी चुनाव में जारी प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार। 21 अक्टूबर को बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को भी प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतार दिया है। इसी बीच भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी को माँ बेटे की खानदानी पार्टी का नाम दिया है। आपको बता दें, संजय जायसवाल किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में स्वीटी सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने उतरे हैं। राज्य में अगले 3 सालों में लगाए जाएंगे 7.7 करोड़ पेड़। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार सरकार ने आने वाले 3 सालों में 7.7 करोड़ पेड़ लगाने का फैसला किया है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया है कि वन विभाग 6 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग 1.7 करोड़ पौधे लगाएगा। साथ ही साथ 50,000 हेक्टेयर में चेक डैम जल संरचनाओं के निर्माण पर 2,906 रुपये की कुल लागत खर्च की जाएगी। बिहार की मिकी और मनीषा ने रचा इतिहास। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 देशों के दूतावासों में राजदूत के रूप में मुजफ्फरपुर की मिकी कुमारी और स्लोवानिया दूतावास में मनीषा ने राजदूत की कुर्सी संभाली। आपको बता दें, मनीषा कुमारी बिहार के कपरपुरा की रहने वाली है और मिकी कुमारी बोचहा की है। ज्ञात हो, राजदूत पद के लिए राज्य स्तरीय चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार की इन बेटियों का चयन किया गया था। बिहार के मजदूरों के पलायन पर रहेगी अब सरकार की निगरानी। बिहार से बाहर भेजे जा रहे मजदूरों पर सरकार अब पैनी नजर रखेगी। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए जिला स्तर पर सेल बनाने का निर्णय लिया है। सेल में पुलिस, स्थानीय लोग और विभिन्न पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इन सेल की मदद से वैसे लोगों पर निगरानी रखी जाएगी जो मजदूरों को अधिक पैसे का लोभ देकर अनुचित तरीके से बाहर भेजने का काम करते हैं। उनसे पैसे ऐंठते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लोजपा प्रिंस राज को जिताने में जुटी पार्टी। समस्तीपुर से लोकसभा सीट पर उतरे एनडीए उम्मीदवार प्रिंस राज के लिए प्रचार प्रसार करने उतरी पूरी लोजपा पार्टी। इस बाबत चुनाव प्रभारी बनाए गए 3 सांसदों ने समस्तीपुर में अपना डेरा डाल दिया है। लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी प्रिंस राज के लिए जनसभा का आयोजन करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, समस्तीपुर की यह लोकसभा सीट लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान के गुजर जाने के बाद खाली हो गई थी। लोहिया की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया माल्यार्पण। भारत के स्वतंत्र सेनानी राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया नगर स्थित लोहिया उद्यान में लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन को व्यक्त किया। आपको बता दें, लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया उद्यान में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। पुलिस की नौकरी कर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के तहत बिहार मिलिट्री पुलिस, स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन और बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बटालियन पदों के लिए 11,880 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं।
इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें csbc.bih.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। सिपाही बहाली परीक्षा में 20 सेकंड की देरी पर कटेंगे 10 अंक। बिहार पुलिस ने सिपाही बहाली के लिए केंद्रीय चयन पार्षद ने 11,880 पदों पर निकाली गई रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया की सूची तैयार की है, जिसके तहत अभ्यर्थियों का चयन 100 अंकों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंकने में अभ्यर्थियों को अपना दमखम दिखाना होगा। दौड़ के लिए 50 अंक और लॉन्ग जंप और गोला फेंक के लिए 25-25 अंकों को निर्धारित किया गया है। वहीं दौड़ने के दौरान 20 सेकंड की देरी पर 10 अंकों की कटौती की जाएगी। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली महिला से परेशान है पटना पुलिस। कंकड़बाग और पत्रकार नगर में इन दिनों स्मार्ट गर्ल के नाम से मशहूर एक 20-22 साल की लड़की से व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। स्टाइलिश कपड़े और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली इस महिला ने प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। अपने स्टाइलिश अंदाज से अभी तक इस लड़की ने कई व्यापारियों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। बिहार यूनिवर्सिटी ने थर्ड ईयर की परीक्षा की तारीख की घोषणा की। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक के थर्ड ईयर की होने वाली परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर से किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज ने बताया कि 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस परीक्षा को 14 नवंबर तक दो पालियों में लिया जाएगा। ज्ञात हो पहली पाली में साइंस कॉमर्स ऑनर्स के साथ साथ जनरल कोर्स के लिए जीएस तथा दूसरी पाली में आर्ट्स ऑनर्स और जनरल कोर्स के लिए जीएस की परीक्षा ली जाएगी। बिहार में रिसर्च वर्क्स को दिया जाएगा बढ़ावा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च वर्क्स को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके लिए आयोग ने रिसर्च की गुणवत्ता को लेकर भी शिक्षा विभाग को पत्र लिख आदेश दिया है कि शोध की गुणवत्ता में चयन, प्रमोशन, क्रेडिट आवंटन और शोध डिग्री प्रदान करने के मामले का सख्ती से अनुपालन करवाया जाए। ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने में हो रही है दिक्कतें। त्योहारों में ट्रेनों में आवाजाही करने वालों की संख्या में भरमार वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में इस बार भी ट्रेनों में सीट फुल होने के कारण सभी ट्रेनें लगभग भर चुकी हैं, जिसके कारण लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तत्काल टिकट भी मिनटों में फुल हो जा रहे हैं। वहीं प्रीमियम तत्काल में ज्यादा पैसे लगने के कारण कई लोग टिकट बुक करवाने से भी हिचक रहे हैं। समस्तीपुर के सपूतों ने जिले का बढ़ाया सम्मान। रसौड़ा के एसके झा और डॉक्टर अमरेंद्र को दिल्ली में जेपी अवार्ड से नवाजा गया है। जयप्रकाश अवार्ड से सम्मानित होकर दोनों ने समूचे बिहार का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्रशासन और रक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए पूर्व वाइस एडमिरल एसके झा को गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं कानून व समाज के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए डॉक्टर अमरेंद्र को विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नारायण पांडे ने अवार्ड से सम्मानित किया। होमगार्ड के डीजी ने सहरसा में किया बड़ा ऐलान। होमगार्ड के डीजी राकेश मिश्र ने सहरसा पहुंचकर विधि व्यवस्था के लिए कार्यरत होमगार्ड जवानों को महीने की पहली तारीख को वेतन देने का ऐलान किया है। सहरसा दौरे पर पहुंचे राकेश सिंह ने यह बातें बरियाही बाजार स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षु जवानों को संबोधित करते हुए कही। इसके साथ ही अस्पताल, बैंक सहित अन्य विभाग में कार्य करने वाले जवानों को भी समय पर वेतन देने का आदेश दिया है। डीएलएड को एक बार फिर एनसीटीई ने किया वैध। 18 महीने के डीएलएड कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने एक बार फिर वैध करार कर दिया है। एनसीटीई के अनुसार इस कोर्स को पहले से ही 18 महीने के कार्यकाल में पूरा करवाया जा रहा था, जिसके बाद प्रदेश भर के 2,63,000 शिक्षकों की उम्मीद एक बार फिर जाग गई है। आपको बता दें कुछ वक्त पहले 18 महीने का डीएलएड कोर्स करवाने वाले शिक्षकों को शिक्षक नियोजन में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। ज्ञात हो यह कोर्स अनट्रेन्ड शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर कसा तंज। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए कहा है कि राजद नेताओं को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया ही नहीं था और राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी का अनुचित कामों में हमेशा साथ दिया है। रामविलास पासवान ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा है कि मोदी अपने बातों के पक्के हैं। उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो सब करके दिखाया है। दरअसल रामविलास पासवान ने मोदी की एक वीडियो शेयर कर ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो लोगों से समाज के हित में काम करने की बस अपील नहीं करते, बल्कि खुद भी अग्रसर होकर काम करते हैं। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर टहलने निकले मोदी का कूड़ा उठाकर रखना आम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। गिरिराज सिंह पर बनने वाली फिल्म का पोस्टर हुआ जारी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर बन रही शॉर्ट फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है। यह पोस्टर दिनकर फिल्म प्रोडक्शन ने जारी किया है, जिसमें गिरिराज सिंह एक खास लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम हाँ मैं गिरिराज हूँ रखा गया है। तकनीकी कार्यों को पूरा होते ही फिल्म का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
रामकृपाल यादव ने जन्मदिन मनाने से किया इनकार। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने अपने जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि रामकृपाल यादव के प्रशंसक सुबह सुबह उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे। अपने जन्मदिन को न मनाने की वजह पूछे जाने पर रामकृपाल यादव ने कहा कि पटना में हुए जलजमाव से आम जनता काफी परेशान थी, उनकी परेशानी के बीच मैं अपना जन्मदिन नहीं मना सकता हूं। विराट कोहली ने खोला अपनी शानदार बल्लेबाजी का राज। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बड़े बड़े शतक लगाने का राज खोलते हुए बताया है कि टीम की जिम्मेदारी ही उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बड़े टेस्ट शतक जड़ने में मदद मिलती है। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट में अब तक कोहली से ज्यादा दोहरे शतक नहीं बनाए हैं। आपको बता दें, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे दिन विराट कोहली ने दोहरा शतक अपने नाम किया था। दो दिनों में 18,000 मजदूरों ने पकड़ी प्रदेश एक्सप्रेस। दशहरा खत्म होते ही मजदूर सहरसा से जाने लगे हैं। पिछले दो दिनों के अंदर अंदर सहरसा से लगभग 18,000 मजदूर जनसाधारण एक्सप्रेस से दिल्ली और पंजाब की ओर जाने लगे हैं। मजदूरों की माने तो पंजाब में हो रही धान कटनी के कारण ज्यादातर मजदूर पंजाब और दिल्ली की तरफ पलायन करने लगे हैं। मजदूरों की भारी भरकम संख्या के कारण आम नागरिकों को सीट मिलने में काफी दिक्कत भी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।